और एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। यस दान बिल्डर और आवंटियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। ये बड़ी अपडेट लखनऊ से इस वक्त हमारे पास। हाईकोर्ट ने डिमोलिशन पर 2 हफ्ते की रोक लगा दी है। ये बड़ी राहत, एलडीए को दस्तावेज जमा करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है हाईकोर्ट ने। एलडीए को यह बताना होगा आप कोर्ट को कि जब नक्शा पास नहीं था तो बिल्डिंग बन कैसे गई। और यह सवाल एबीपी गंगा भी उठाता रहा है, लगातार हमने यह प्रश्न उठाया है कि नक्शा जब पास नहीं था तो कोई एक दिन में रातों रात तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हुई, जब उसे समय लगा तो रोका क्यों नहीं गया। यह सवाल एबीपी गंगा ने उठाया, लगातार उठाया, और अब हाईकोर्ट ने भी यह प्रश्न पूछा है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से कि वो दस्तावेज जमा करें और बताएं कि अगर यह नक्शा पास नहीं था जैसा कि वो कह रहे हैं, जैसा कि उनका दावा है और जैसा कि वो कारण बता रहे हैं डिमोलिशन के पीछे, तो फिर यह बिल्डिंग बनी कैसे। यह मौलिक प्रश्न है, यह बहुत स्वाभाविक प्रश्न है। डिमोलिशन पर 2 हफ्ते की रोक लगा दी है और यह राहत है यसदान बिल्डर्स को भी और जिनके फ्लैट्स हैं इस निर्माण के भीतर और जिनके फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो चुकी है उन सभी लोगों के लिए। यह बड़ी राहत हाईकोर्ट की ओर से। कल हाईकोर्ट ने मौखिक आदेश न मानने पर फटकार भी लगाई थी एलडीए को, आज 2 हफ्ते की रोक लगा दी है। इस बीच में कागज जमा करने होंगे यसदान बिल्डर्स को और कोर्ट को यह भी बताना होगा कि अगर नक्शा पास नहीं था तो फिर यह बिल्डिंग बन कैसे गई। वाजिब सवाल, ये बिल्कुल सहज और स्वाभाविक प्रश्न। अब एलडीए को यह उत्तर देना पड़ेगा हाईकोर्ट को कि यह बिल्डिंग नक्शा पास हुए बगैर बन कैसे गई उनकी नजर के सामने। विवेक त्रिपाठी फोन लाइन पर है, हमारे संवाददाता, जिन्होंने लगातार तस्वीरें दिखाई उन लोगों की जो व्यथित थे, जो फ्लैट्स के मालिक हैं और जिनका पैसा फंसा हुआ है, जिनके जीवन भर की कमाई फंसी हुई है। विवेक, निश्चित रूप से हाईकोर्ट की बड़ी राहत। बिल्कुल राजेंद्र, हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है आवंटियों को, चूंकि 48 में से 36 फ्लैट की रजिस्ट्री हो चुकी थी और 6 फ्लैट ऐसे थे जिसमें लोग रहते यानी प्रॉपरली शिफ्ट हो गए थे वहां पर, और उन लोगों को बीते शनिवार की रात पुलिस ने हटा दिया क्योंकि अपार्टमेंट ध्वस्त किया जाना था। एलडीए ने तैयारी कर ली थी पूरी, मुंबई से एक्सपर्ट्स की एक टीम भी बुला ली गई थी, चूंकि अपार्टमेंट रिहायशी इलाके में बना हुआ है, बहुत व्यस्त और तंग इलाका है जहां पर अपार्टमेंट बना हुआ है, 6 मंजिल का अपार्टमेंट है, आसपास और भी बिल्डिंगे हैं, तोड़फोड़ में नुकसान हो सकता था। पहले फैसला किया था कि डायनामाइट से उड़ाया जाएगा लेकिन वो फिजिबल नहीं लगा, तो उसके बाद तोड़ने का निर्णय लिया गया। कल हाईकोर्ट ने इसमें 24 घंटे का वक्त दिया था एलडीए को और बिल्डर को, दोनों को बुलाया था। यसदान बिल्डर भी गए थे वहां, सायम यसदानी है वो अपनी तरफ से गए थे और एलडीए के अधिकारी जो वेद प्राधिकारी है वो गए थे। सुनवाई हुई आज, लंबी सुनवाई चली, करीब 2 घंटे सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला किया कि 14 दिन का वक्त और दिया जाता है। अगर इस दौरान एलडीए बता देता है, साबित कर देता है कि अपार्टमेंट अवैध है पूरी तरह से, तो मौका दिया जाएगा और उनके लिए यानी जो आवंटी है उनके लिए कोई रास्ता खोला जाएगा। फिलहाल एलडीए से कहा गया कि सारे दस्तावेज, और ये भी पूछा है कि अगर इतने साल से यानी 5 साल से लगातार अपार्टमेंट बनता रहा, तो अगर वो अवैध था, उसका नक्शा नहीं पास था, नजूर की जमीन पर था, नजूर की जमीन से क्लियरेंस नहीं ली गई थी, तो आखिर क्यों उस समय टोका नहीं गया, रोका नहीं गया, क्यों अपार्टमेंट को बनने दिया गया। क्या एलडीए के अधिकारी इस बात का इंतजार करते हैं कि भ्रष्टाचार की इमारतें पूरी तरह से बनकर खड़ी हो जाए, उसमें लोग रहने आ जाए, तब वहां पर बुलडोजर लेके खड़े हों जिससे कि एक अव्यवस्था पैदा हो जाए, कानून व्यवस्था के लिए एक अशांति पैदा हो जाए, और जो लोग हैं जिन्होंने अपने लाखों रुपए लगा दिए, 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख रुपए के फ्लैट थे, उनकी क्या गलती थी, उनका क्या दोष था, उन्होंने अपार्टमेंट में सारे कागजात देखने के बाद एलडीए से उसको स्वीकृति मिली हुई है, रेरा से स्वीकृति मिली हुई है, तो उनकी क्या गलती थी और उनका हर्जाना कौन देगा। इन सब सवालों पर, इन सब बिंदुओं पर बात होगी। 14 दिन का समय दिया है कोर्ट ने, अगली सुनवाई होगी 14 दिन तक। फिलहाल 14 दिन तक तो राहत है। और नजूल की जमीन पर एनओसी क्यों नहीं दी जा रही थी, बिल्डर का कहना था कि वो लगातार संपर्क में थे नजूल के अधिकारियों के, नजूल विभाग के, लेकिन जब 5 साल पहले जब उन्होंने अनुमति लेने की कोशिश की तब अनुमति बंद हो गई थी। इस बीच दोबारा शुरू हुई तो दोबारा 6 बिल्डरों को, 6 लोगों को नजूल में एनओसी मिली है, जबकि उनकी बिल्डिंग यसदान अपार्टमेंट को, यसदान के अपार्टमेंट को अनुमति नहीं दी गई, एनओसी नहीं दी गई। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, एलडीए के अधिकारियों का दबाव था, इन सब बिंदुओं पर, पूरे बिंदुओं पर पड़ताल होगी और बातचीत होगी, सवाल जवाब होंगे 14
दिन बाद जब दोनों पक्ष कोर्ट में हाजिर होंगे, एलडीए से उनके दस्तावेज मांगे गए हैं, बिल्डर से उनके दस्तावेज मांगे गए हैं और जो आवंटी है उनका पक्ष भी मांगा गया कि आप भी अपने पक्ष के साथ आइएगा और अपनी बातें यहाँ पर रखिएगा। तो तर्क वितर्क होगा, तर्क वितर्क होगा, बहस होगी, मुबाइसे होंगे, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा कि 14 दिन बाद आखिर उस अपार्टमेंट का, यजदान बिल्डर के अपार्टमेंट का क्या भविष्य होना है, क्या हश्र होना है, वहाँ पर जो रहने वाले हैं उनको क्या राहत मिलनी है। 14 दिन को राहत दे दी है लेकिन क्या भविष्य में आगे उनको राहत मिलेगी, क्या वो, ये सुनवाई पर ही निर्भर करता है और एलडीए जो कागज प्रस्तुत करता है उस पर भी निर्भर करता है और उसका क्या उत्तर होता है बिल्डर्स की ओर से, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद विवेक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।